गवर्नमेंट फॉर द पीपल टू द पीपल एंड बाय द पीपल, मतलब जनता की सरकार, जनता के लिए और जनता के द्वारा। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेयस भारद्वाज और आप देख रहे हैं स्वदेश वाणी। अभी अभी दो छात्राओं ने अपनी मार्कशीट देखी है। मार्कशीट देखकर मैं खुद हैरान हो गया हूँ। एक छात्रा के क्लास टेंथ में थे 70% और एक छात्रा के थे 91.58%। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 70% कम नहीं होते हैं, जिससे मैं और मेरा कैमरामैन दोनों पास हो जाएंगे और 91 में मेरे ऑफिस में बैठे तीन लोग पास हो जाएंगे और वो लोग क्लास ट्वेल्थ में जाके फेल हो जाते हैं। सारी मेहरबानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की। आप खुद ही सोचिए, जो बच्चा क्लास टेंथ में 70% ला रहा है या फिर कोई बच्चा क्लास टेंथ में 91.58% ला रहा है और उस बच्चे के मैथ्स में 100 out of 100 है, मैं मार्कशीट शेयर करूंगा, आप देख लीजिएगा, तो वो क्लास ट्वेल्थ में फेल कैसे हो सकता है? मेरा यही सवाल है झारखंड एकेडमिक काउंसिल से कि भाई वो फेल कैसे हो सकता है? भले उसे कम नंबर आ जाए, 50, 60 कुछ भी आ जाए, वो फेल कैसे हो सकता है? क्या याददाश्त थोड़ी चली जाएगी? अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मौका मिलता है आपकी बात को आगे बढ़ाने का, आपकी बातों को लोगों तक पहुँचाने का। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे चलते हैं। अभी अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल में जो बच्चे फेल हो गए थे, जो 40,000 बच्चे फेल हो गए थे, आज उन्होंने कलेक्ट्रेट के अंदर घुस गए। अंदर का गेट पार करते हुए वे कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर घुसने लगे। वहां पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, उपायुक्त और कई और अधिकारियों की मीटिंग चल रही होती है। वहां पर छात्राओं ने जमकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारे लगाए। सूचना मिलते ही एसडीएम पुलिस बल और महिला पुलिस बल के साथ पहुंचे वहां पे और जमकर छात्राओं की पिटाई की। ऐसा नहीं था कि सिर्फ पुलिस ही पिटाई कर रही है, एसडीएम सुरेंद्र कुमार खुद लाठी पकड़ के छात्रा महिला छात्राओं पर वार कर रहे थे। 16-17 साल की लड़कियां जो सिर्फ न्याय की गुहार कर रही हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उनको खदेड़ कर गेट के बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा नहीं था कि गेट के बाहर निकाल दिया फिर भी वो लोग थम गए, नहीं, वो लोग वहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी, फिर भी उन पर पुलिस की लाठियां बरसाई गई, फिर से पुलिस की लाठियां बरसाई गई उन पर। आखिर उनका कसूर क्या था? उनका कसूर बस इतना था कि वो सिर्फ पास होने की गुहार कर रही हैं, अपना जो फेल हो गई हैं, पूरा वर्ष जो है बर्बाद हो जाएगा, इस डर से वो लोग आंदोलन कर रही हैं। लाठी चार्ज में कई छात्र और छात्राएं ऐसी थीं जो बेहोश हो गई, जिन पर गंभीर चोटें भी आई हैं। क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी उठाएगा? आइए दिखाते हैं आपको कुछ झलकियां धनबाद कलेक्ट्रेट की, जहां पर छात्राओं से पुलिस लड़ाई झगड़े कर रही है, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। Yeah!
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।